अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामाबाद फूड ड्राम। आज हम बनाने लगे हैं वनीला स्पॉन्ज केक। आप इसको पाउंड केक भी कह सकते हैं, स्पॉन्ज केक भी कह सकते हैं। आप इसको अपने डिफरेंट केक्स के अंदर एज अ लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने 2 एग वाइट्स और योक्स को सेपरेट कर लिया। नाउ आई हैव स्टार्टेड बीटिंग माय एग वाइट्स। आई विल बीट द एग वाइट्स अंटिल स्टिफ पीक्स। जब तक इसका फ्लफी टेक्सचर नहीं हो जाता तब तक मैं इसको बीट करती रहूँगी। इसके अंदर मैंने 1 कप पाउडर्ड शुगर डालनी है, लेकिन पाउडर्ड शुगर मैं तब डालना स्टार्ट करूँगी जब इसके इस तरह के बबल्स बन जाएंगे, थोड़े बहुत हल्का सा बीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको स्मॉल पोर्शंस के अंदर डालना स्टार्ट करेंगे। आपने कभी भी शुगर को एक साथ इकट्ठा नहीं डाल देना, आपने हमेशा इसको स्मॉल पोर्शंस के अंदर डालना है। नॉट ओनली फॉर दिस केक, लेकिन कभी आप पैनकेक्स बना रहे हो या कोई भी और केक बना रहे हो और आप एग वाइट्स बीट कर रहे हो, तो आपने शुगर को इसी तरह स्मॉल पोर्शंस के अंदर डालना है। आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक इसका टेक्स्चर ऐसा फ्लफ़ी नहीं हो जाता। दिस इज़ द सीक्रेट बिहाइंड द गुड राइस एंड फ्लफ़ी टेक्स्चर ऑफ़ द केक। जब आपके एग वाइट्स का टेक्स्चर ऐसा फ्लफ़ी हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके एग वाइट्स रेडी हैं। अब इसमें हम अपनी एग योक्स डालेंगे। डोंट वरी, मैं 4 एग योक्स नहीं डालूंगी। मैं एक्चुअली 2 केक बना रही हूँ, इसलिए मैंने 4 योक्स साइड पर रखी हुई थी। हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको हम अपने एग वाइट्स के अंदर डाल लेंगे और फिर हम इसको दोबारा से बीट करेंगे। आपने इसको बिल्कुल भी ओवरबीट नहीं करना। जब ये एक दफ़ा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए तो वी आर डन बीटिंग। अब मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ वनीला एसेंस के, एंड देन आई एम एडिंग द ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। आप इसके अंदर घी या बटर नहीं डाल सकते, आप इसके अंदर ऑयल ही डालिएगा। एंड नाउ आई एम एडिंग द मिल्क। आई हैव मेंशनड द क्वांटिटीज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द सबटाइटल्स एज वेल। इसको हम दोबारा बीट करेंगे। अगेन डू नॉट ओवर बीट इट। इसको आप जितना, जब एक दफ़ा मिक्स हो जाए तो जस्ट स्टॉप बीटिंग। इसको हम ओवर मिक्स नहीं करेंगे। आपने इसके अंदर मैदा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डालना है। इसको मैंने पहले से सिफ्ट किया हुआ है। आपने इसको सिफ्ट किए बगैर नहीं डालना, वरना इसके अंदर लम्स रह जाएंगे। और इसको अब हम बीट नहीं करेंगे, इसको हम अपने स्पैचुला या आप किसी भी स्पून के साथ इसको आप मिक्स करें। मेक श्योर देर आर नो लम्स इन द मिक्सचर। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके अंदर कोई लम्स ना रहें तो फिर इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर रेडी है। आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो इसी कंसिस्टेंसी, इसी टेक्सचर का होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा वाटरी और रनी भी ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। उसकी एग्जैक्टली यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम अपने पैन को ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे वो चिपकता नहीं है। आप अपनी साइड्स को भी और लोअर एरिया को भी ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से बहुत अच्छे तरीके से, इससे वो आपका केक ना साइड्स पर चिपकता है ना नीचे चिपकता है। और फिर हम बटर पेपर लगा लेंगे। मेक श्योर आप बटर पेपर को ऊपर से भी अच्छी तरह ग्रीस करें। नाउ वी विल पोर आवर मिक्सचर इनटू द ग्रीस्ड पैन। अगर आपने इसको विदाउट ओवन बनाना चाह रहे हैं तो मैंने उसका तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप इसको बाहर निकालने से पहले हमेशा टूथपिक टेस्ट लेते हैं। अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल ड्राई निकला है तो विच मीन्स आपका केक बिल्कुल रेडी है। हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, 10 से 15 मिनट। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसकी साइड्स को रिमूव करेंगे नाइफ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। आपका केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। आफ्टर कूलिंग इट डाउन फॉर 10 मिनट्स आप इसको काट सकते हैं। अगर आप इसको गरम गरम काटेंगे तो ये सही से नहीं कटेगा। सो मेक श्योर कि आप इसको 10 से 15 मिनट कूल डाउन होने देते हैं, उसके बाद आप इसकी कटिंग करते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनता है और ये आपके डैड को स्पेशली बहुत पसंद आएगा, बिकॉज एवरी डैड लव्स दिस केक।